लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बजते ही जिला प्रशासन ने जिले में 100% मतदान कराने को लेकर कमर कस ली है। जिले में 100% मतदान के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रशासनिक तंत्र किसी न किसी रूप में आम नागरिक से लेकर अलग अलग संस्थाओं को मतदान के लिए जागरूक कर रहा है। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी एवं DC निशांत कुमार यादव के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य विभाग ने नागरिक अस्पताल की ओपीडी स्लिप में अलग से मोहर लगाकर मतदान के लिए जागरूक करने की नई पहल की है। सर, मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अनोखी पहल शुरू की गई है। ओपीडी स्लिप पर बकायदा लोगों को जागरूक करने के लिए, मतदान करने के लिए भी जागरूक किया जा रहा है। जैसा आपको सभी को मालूम है, न केवल हरियाणा बल्कि पूरे भारतवर्ष में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और हरियाणा में 25 मई को जो है वो चुनाव होगा छठे चरण में। तो न केवल हरियाणा के, मैं अगर कहूँ इलेक्शन कमीशन से, भारत सरकार के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो मीटिंग ली थी उसमें बताया गया था कि कुछ पहल की जाएं जिसमें चुनाव का पर्व, देश का गर्व के आधार पे पहल करते हुए कुछ नए ऐसे इनोवेशन किए जाएं। तो माननीय जिला उपायुक्त निशांत यादव जी के दिशा निर्देशों में अनुसार हमने स्वास्थ्य विभाग के सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर, चाहे वो PHC हों, चाहे CHC हों, चाहे सब डिविजनल हॉस्पिटल हों और हमारे सिविल हॉस्पिटल हों, यहाँ पर जितने भी OPD कार्ड्स जो हम इशू कर रहे हैं उनमें सभी में हम एक स्टैम्प अंकित कर रहे हैं जिसमें लिखा जा रहा है कि चुनाव का पर्व, देश का गर्व और मतदान जरूर करें। 25 मई की इसमें डेट डाल के सभी को ये कहा जा रहा है कि अधिक से अधिक मतदान करने की कोशिश करें। सर, टोटल कितनी OPD गुरुग्राम के अलग अलग PHC या दूसरे? कुल मिलाकर हमारे 41 इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर ये हम जो है स्टैंप लगाकर सभी को दे रहे हैं। सिविल हॉस्पिटल में हमने ये 6 के 6 काउंटर पर हम ये कर रहे हैं। सोहना और पटौदी में हमने ये 3-3 जगह किया है। जो बाकी CHC हैं वहाँ 2-2 और हर PHC के हर एक काउंटर पर स्टैंप लगाकर वितरित किया जा रहा है, जिसपे लिखा जा रहा है कि आने वाली 25 मई को अधिक से अधिक मतदान करने के लिए प्रेरित करने के लिए स्टैंप लगाई जा रही है। मैं सिविल हॉस्पिटल की डेली एवरेज OPD जो है वो 2,000 से 2,500 के बीच में रहती है। सोहना और पटौदी की है जो एवरेज OPD वो 500 के आसपास रहती है। CHC में 200 के आसपास रहती है और PHC में ओन एंड एवरेज 100 के आसपास OPD रहती है। तो मैं मानूँ तो कुल मिला के 6,000 के आसपास प्रतिदिन की जो है OPD की संख्या जो हमारे स्वास्थ्य केंद्रों में आती है, तो उन पर सभी पे ही अंकित किया जा रहा है।